हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मसाला फ़िश करी और इसे बनाना बेहद आसान है। एक बार आप मेरे बताए हुए तरीके से इसे बनाइए, मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ़िश करी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 किलो रोहू फ़िश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई सी भी ले सकते हैं। और इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसकी कोडिंग के लिए एक बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप चावल लिया है, जिसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। अब चलिए हम इसे पीस लेते हैं। इससे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च। अब हम इसे थोड़ा सा पानी इसमें डालकर और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1/2 नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल की जगह आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोडिंग के लिए बैटर हमारा देखिए तैयार हो गया है। अब एक कढ़ाई में हम ऑयल गर्म कर लेंगे। सबसे पहले हम फ़िश को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम फ़िश की एक एक पीस को लेकर और इसकी हम अच्छे से कोडिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसकी अच्छे से कोडिंग कर लेंगे। और अब हम इसे बिल्कुल गरम ऑयल में ही हमें फ्राई करना है। तो हम इसको गरम गरम ऑयल में एक एक करके फ़िश को डाल देंगे। एक साथ ज़्यादा पीसेस को हमें नहीं डालना है, थोड़े थोड़े पीसेस डालकर ही हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे। जब 3 से 4 मिनट हो जाए तब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अब देखिए ये कितने अच्छे से दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए बढ़िया गोल्डन सा कलर आ गया है इसमें। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से ये फ्राई हो चुका है। आप इसे विदाउट ग्रेवी भी इस तरह से खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी ये। और बाकी फ़िश को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसी ऑयल में इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ और 1 पिंच हम इसमें कलौंजी डाल देंगे। जब ये हल्का सा क्रैकल होने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट बनाया था, तो हम उसे इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे प्याज को। हाई फ्लेम में हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 ही चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे भी हाई फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी मसालों को पकने के लिए। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम बिना कवर किए इसे पका लेंगे। ये देखिए, मसाला जो है वो हमारा अब भुन गया है। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर एक खटाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर 1 चम्मच अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डाल देंगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा।
ये देखिए, अब मैं इसमें 2 कप पानी डाल दूंगी ग्रेवी के लिए, और इसमें हम एक उबाल आने देते हैं पानी डालने के बाद। फिर हम इसमें एक एक करके मछली के जो पीसेस हैं उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, एक उबाल आ गया है। अब हम इसमें मछली के जो पीसेस थे फ्राई की हुई, इन्हें हम इसमें डाल देंगे और हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हमें चलाना नहीं है, नहीं तो इसके पीसेस जो हैं वो टूट जाएंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। ये देखिए, हमारी फ़िश करी बनकर तैयार हो गई है। बढ़ती ठंड में फ़िश करी का अलग ही मज़ा है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।